नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मंगलवार को उनके जन्मदिन पर शुभकामना दी। मनोहर लाल खट्टर 66 वर्ष के हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा, मनोहर लाल जी हरियाणा के प्रगति के लिए लगन से काम कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें लोगों की सेवा के लिए एक लंबा एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करे। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार आज झारखंड राज्य के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और देवघर जिलों के कई हिस्सों में कुछ ही घंटों में बारिश की संभावना है। वहीं बीते दिन पलामू के चैनपुर में हुए वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, हवाई जहाज से लौटेंगे मजदूर। खबरों के अनुसार लॉकडाउन में फंसे झारखंड के मजदूरों को घर वापसी के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने यह जानकारी दी है कि दक्षिण भारत के केरल और तेलंगाना के वैसे जिला जहां पर कम संख्या में मजदूर फंसे हैं, उन्हें ट्रेन से लाया नहीं जा सकता। उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा हवाई जहाज की व्यवस्था की गई है। ऐसे में झारखंड देश का पहला राज्य होगा जो मजदूर को हवाई जहाज से अपने घर लाएगा। झारखंड में 10 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसमें हिंदपीढ़ी से 8 और दुमका से 2 हैं। झारखंड में अब संक्रमितों की संख्या 115 से बढ़कर 125 हो गई, जबकि 33 लोग ठीक हुए और 3 को मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 49,400 है, जबकि 14,142 लोग ठीक हुए और 1693 लोगों की मृत्यु हो गई। CBSE बोर्ड 10th और 12th की परीक्षा रद्द। खबरों के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरिया ने मंगलवार को कहा कि कक्षा 10वीं परीक्षा के शेष विषयों की परीक्षा आयोजन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के छात्रों को छोड़कर देश भर में कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजन नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कुछ छात्रों के लिए फिर से आयोजित की जाएगी, जो उस दिन कानून और व्यवस्था के कारण निर्धारित तिथि पर परीक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सके थे। नए कार्यक्रम की घोषणा 2 दिनों के भीतर कर दी जाएगी। हजारीबाग के गरीब बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होने के कारण नहीं कर पा रहे ऑनलाइन पढ़ाई। खबरों के अनुसार लॉकडाउन होने के कारण छात्रों ने अब अपने मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। ऐसे में अधिकांश गरीब विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए अपने अभिभावकों से स्मार्टफोन की मांग कर रहे हैं, जो अभिभावक देने में सक्षम नहीं है। मजदूरों को मदद के लिए झारखंड विधानसभा सचिवालय ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। खबरों के अनुसार झारखंड विधानसभा सचिवालय द्वारा कंट्रोल कक्ष का गठन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के निर्देश पर कंट्रोल कक्ष झारखंड विधानसभा सचिवालय कमरा नंबर TE-306 में स्थापित की गई। इन संपर्क सूत्रों पर आम नागरिक, प्रवासी मजदूर, छात्र अपना समस्या या लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे घर वापस लौटने के लिए सहयोग के लिए संपर्क किया जा सकता है। संपर्क नंबर इस प्रकार है, दूरभाष संख्या या फैक्स नंबर 0651-2774-219, महेंद्र शाह उप सचिव 94-701-86-975, सुरेंद्र रजक अवर सचिव 79034-47023, रानू कुमार सहायक 99053-61007 है। लोहरदगा जिला के 221 मजदूर पहुंचे घर। खबरों के अनुसार जिला प्रशासन की मदद से केरल, नागौर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में फंसे 221 मजदूर अपने घर लौटे। सभी मजदूरों का मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद प्रशासन ने उन्हें घर भेज दिया। कोडरमा में प्रदूषण का स्तर हुआ कम, तिलैया डैम का नजारा बदला। खबरों के अनुसार 40 दिन से लॉकडाउन के कारण पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह बंद होने के बाद तिलैया डैम का पानी का आसपास का पूरा इलाका साफ हो गया है। डैम का पानी इतना साफ हुआ है कि लोग देखकर हैरान हैं। रामगढ़ जिले के 700 मजदूर विशाखापट्टनम से पैदल चल पड़े। खबरों के अनुसार मजदूरों ने बताया कि पिछले कई दिनों से सरकार से मदद मांगने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो सभी मजदूर झारखंड के लिए पैदल चल पड़े। JPSC रिजल्ट पर JMM विधायक ने उठाया सवाल, CM हेमंत को लिखा पत्र। खबरों के अनुसार 6ठी JPSC के अंतिम परिणाम को लेकर मचा बवाल, थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सरायकेला खरसावा से झामुआ विधायक दशरथ गगई ने परीक्षा परिणाम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर परिणाम को रद्द करने की मांग की है।
जनजातीय कारीगरों से 23 करोड़ के उत्पादों की होगी खरीदारी। सूत्रों के अनुसार जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि मंत्रालय की अनुशंसा इकाई देश भर में जनजातीय कारीगरों से 23 करोड़ रुपए मूल्य के जनजातीय उत्पादों की खरीद करेगी। उन्होंने बताया कि जनजातीय समुदायों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए कई और कदम उठाए गए हैं। बीआईटी मेसरा में 7 मई से एमबीए नामांकन के लिए होंगे ऑनलाइन। खबरों के अनुसार बीआईटी मेसरा में एमबीए सत्र 2020-21 में नामांकन के लिए इस बार ऑनलाइन साक्षात्कार लिया जाएगा, जबकि इस बार नामांकन के लिए ग्रुप डिस्कशन नहीं हो सकेगा। कुल 420 सीटों पर नामांकन के लिए साक्षात्कार की यह प्रक्रिया 7 मई से आरंभ होगी। बोकारो के 21 मजदूर बंगाल से निकल पड़े साइकिल से। खबरों के अनुसार बोकारो के 2 दर्जन मजदूर बंगाल में फंसे हैं। सरकार से कोई सहायता न मिलने पर अपने अपने गांव निकल पड़े। 4 मई को 7 और 5 मई को 14 मजदूरों ने अपने अपने गांव के लिए साइकिल से निकल पड़े। हालांकि बोकारो आने पर उनकी जांच होगी, उसके बाद उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। झारखंड में दाल वितरण पर लगी रोक। खबरों के अनुसार सड़े व खराब चना दाल पहुंचने की खबर के बाद राज्य में इसके वितरण पर रोक लगा दी गई है। खाद्य आपूर्ति सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों से दाल की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी 57 लाख लाभुकों को चना दाल दिया जाना है। प्रति परिवार प्रति माह 1 किलो चना दाल निःशुल्क वितरण करना है। झारखंड में 22 लाख कर्मचारियों व पदाधिकारियों को मिलेगा 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। खबरों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने सभी डीसी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत 30 मार्च 2020 से अगले 30 दिनों के लिए जीवन बीमा से बीमित किया गया है। सचिव ने निर्देश दिया है कि चिकित्सा के क्रम में किसी स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु होने पर प्रपत्र 01 में बीमा का क्लेम किया जा सकता है। जेईई मेंस की परीक्षा 18 जुलाई से। खबरों के अनुसार आईआईटी जेईई मेंस की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को होगी। वहीं आईआईटी जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त माह में आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने दी है। दुमका जिला में पहली बार 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। दोनों संक्रमित को क्वारंटाइन किया गया है। दुमका राज्य का 12वां संक्रमित जिला है। दोनों संक्रमित युवकों की उम्र 25 और 30 वर्ष है। दोनों युवक गुड़गांव से लौटे थे। धनबाद में हुए सैंपल की जांच में इन दोनों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के अध्यक्ष ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण ऑटो और ई रिक्शा चालक सह मालिक मुश्किल में है, इसलिए सरकार हर माह 2000 रुपये की मदद करे ताकि ऑटो चालक किसी प्रकार अपना परिवार चला सकें। विदेश में फंसे भारतीयों को 7 मई से लाया जाएगा भारत। खबरों के अनुसार सरकार ने विदेश में रह रहे भारतीयों को लाने के लिए आगामी 7 मई से 64 फ्लाइटों की रवाना करने का फैसला किया है। नागरिक उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि मई के पहले सप्ताह 7 से 13 मई के बीच भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। रेलवे ने प्रतिदिन 300 ट्रेन चलाने का फैसला जल्द कर सकता है। खबरों के अनुसार रेल मंत्रालय अब तक 58 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था करने का काम पूरा किया है। रेल मंत्रालय के सूत्रों से बात सामने आ रही है कि अगले कुछ दिनों में इस तरह की 300 ट्रेन और चलाने की मांग की जा सकती है, जिसके लिए रेलवे पूरी तरह से कमर कस चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में 3900 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि रिकवरी रेट बढ़कर 27.41% हुई है। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संक्रमण की जांच शुरू हो गई है। सोमवार को टास्क फोर्स माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष व डॉक्टरों ने बैठक कर संक्रमण जाँच की तैयारी का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाह अनुसंधान केंद्र का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को लाह रिसर्च इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। उन्होंने बागवानी का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ उनका काफिला भी मौजूद थे। गुजरात में फंसे हैं गढ़वा के 900 मजदूर। खबरों के अनुसार गुजरात में गढ़वा जिला के 900 मजदूर फंसे हुए हैं, जिसके साथ महिलाओं और बच्चे भी हैं।
सभी मजदूरों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से घर वापसी की गुहार लगाए हैं। झारखंड यात्रा पंजीकरण का साइट पूरी तरह से काम नहीं करने से मजदूर काफ़ी परेशान है। कुछ मजदूरों का कहना है कि साइट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, वहीं कुछ मजदूरों का कहना है कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रहा है, साइट में सुधार की आवश्यकता है। हम आपको बता दें कि मजदूरों को सहायता के लिए झारखंड प्रवासी .in साइट बनाया गया है, जहां मजदूर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।